नमस्कार, मैं हूं निखिल त्रिपाठी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। छात्र नेता दिलीप से ऑडियो कॉल पे हमने बातचीत किया और उसके बाद टीआरई 1.0 के सप्लीमेंट रिजल्ट्स से लेकर के पाठक और अतुल प्रसाद पे कार्रवाई तक की बात हो गई। जी हां, पूरी बहस छिड़ गई। छात्र नेता दिलीप ऑडियो कॉल पर किस मुद्दे पर बात किए हैं, आप वो सुनिए। दिलीप जी, स्वागत है लाइव सीरीज पे आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी देख रहे होंगे कि लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीएड शिक्षक हैं और जो 17 तारीख को परीक्षा होने वाली है, सारा सिस्टम जो है वो हिला हुआ है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बहुत टेंशन में हैं। जी बिल्कुल, सरकार का जो रवैया है और भर्ती आयोग का जो रवैया है, तानाशाही रवैया, उसकी वजह से अभ्यर्थी काफी परेशानी में है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी लेकर अभ्यर्थी लगातार परेशानी में है। और जिस तरह से बीपीएससी ने बहुत कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया और उसके बाद शिक्षा विभाग ने उसको भी लौटा दिया, तो ये बड़े दुख की बात है कि आखिर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और बीपीएससी के बीच चल क्या रहा है। तो ये इसे अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। गलती किसकी है, विभाग, आयोग या सरकार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की? देखिए, गलती तो सबसे बड़ी गलती सरकार की है। सरकार के अधीन ही तो ये विभाग है ना, कोई विभाग स्वतंत्र तो नहीं ना है। ऐसा नहीं है कि सरकार से बाहर है ये विभाग, चाहे बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग हो, ये तो सरकार के अधीन ही है, सरकार के नियंत्रण में ही है। बहुत तो गलती लोग कहते सरकार हैं कि की है। छोटी छोटी चीजों पे सरकार नहीं, अधिकारियों की गलती होती है। तो ठीक है, अधिकारियों की भी अगर गलती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। ऐसे अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार कार्रवाई करे, के पाठक हो या अतुल प्रसाद, कार्रवाई होनी चाहिए अगर उनकी गलती है तो। बिल्कुल होनी चाहिए, कोई भी अधिकारी हो, अगर युवाओं के, छात्रों के, अभ्यर्थियों के अगर हित में काम नहीं कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ काम हो रहा है, जानबूझकर बार बार अभ्यर्थियों को परेशानी में डाला जा रहा है, तो वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, स्वास्थ्य विभाग के हो या किसी भी विभाग के हो, वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। या तो उनको आप दिशा निर्देश दीजिए कि इस तरह से कार्रवाई ना करे। अगर दिशा निर्देश का पालन नहीं होता है तो वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। जो सप्लीमेंट रिजल्ट में इतना अजीब क्यों हो रहा है, मतलब व्यवस्था जो है वो खराब है, क्योंकि अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार गांधी मैदान बैठ रहे हैं, कभी विभाग जा रहे हैं, कभी आयोग जा रहे हैं, बड़ा टेंशन में है अभ्यर्थी। देखिए सरकार की मंशा इसमें स्पष्ट है कि सरकार ने 170,000 पे वैकेंसी निकाली। हमने उसी समय कहा था कि 170,000 क्या स्कूलों में पढ़ाते हुए नजर आएंगे या सिर्फ ये संख्या दिखाई जा रही है। अब देखिए वही बात अभी हुई, 170,000 क्या स्कूल में ज्वाइन किए हैं, नहीं किए हैं। 120,000 का तो औपबंधिक रिजल्ट जारी किया बीपीएससी ने बगैर सर्टिफिकेट जांच किए हुए। उसके बाद 110,000 को नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को बिहार सरकार ने बांटा और उसके उसमें भी जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ना, वैसे लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटा गया। जब हम लोग आंदोलन किए 25 अक्टूबर को, उसके बाद आप देखिए कि जांच शुरू हुआ है। जांच शुरू हुआ तो बहुत जगह से बाहर किया गया जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, तो वैसे लोगों को बाहर किया गया। लेकिन हो सकता है, ये संभावना है कि अभी भी कुछ लोग हों जो जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं हो सर्टिफिकेट, फिर भी वो बहाली हो, ऐसी संभावना अभी भी बनी हुई है। लेकिन हजारों लोग बाहर हुए, तो ये तो दिख रहा है ना कि 170,000 पे आपने वैकेंसी निकाली। तो अगर आपकी मंशा थी कि 170,000 को नौकरी देना है तो फिर 170,000 को नौकरी दिया जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अभी 88,000 या 90,000 कहा जा रहा है एक संख्या की भाई स्कूल में योगदान किए हैं, बाकी कहां गए संख्या? 170,000 में से वही 50% ही हुआ, इसको तो 50% ही एक तरह से मानेंगे ना, 60% कह लीजिए कि 60% ही को नौकरी मिला। उसमें भी 28,000 हो या जो भी संख्या हो, नियोजित शिक्षक है, बिहार से बाहर हजारों अभ्यर्थी है, तो बिहारी जो बेरोजगार युवा है उनको कितने को नौकरी मिली? सरकार को ये बताना चाहिए निकालेंगे कि नहीं सप्लीमेंट रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पार्ट वाइज निकाले जाएंगे, अभी एक ही बार निकाला है उन्होंने। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर ये तो शिक्षा विभाग का स्पष्ट दिख रहा है ना कि वो शिक्षा विभाग नहीं चाहता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकले। जैसा के पाठक नहीं चाहते, आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि के पाठक नहीं चाहते कि रिजल्ट आए। अब हम तो शिक्षा विभाग को ही कहेंगे, अब उसमें जो अधिकारी हो, अब सरकार नहीं चाहती है। आयोग को क्यों नहीं कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, आप बीपीएससी आयोग, अतुल प्रसाद को क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? देखिए अतुल प्रसाद जी को हम कह रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं, उन्होंने मान लीजिए जितना भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला, लेकिन उस रिजल्ट को भी शिक्षा विभाग अगर लौटा रहा है बहाना बनाकर, तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा विभाग क्या चाह रहा है। क्योंकि अतुल प्रसाद सर ने 25 अक्टूबर को जब आंदोलन किए थे, उस समय उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से कि शिक्षा विभाग जितनी रिक्तियां हमको भेजेगा उतने के लिए हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। तो शिक्षा विभाग तो रिक्तियां भेज नहीं रहा है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी कैसे जारी करे? आप कह रहे हैं कि के पाठक जो कहते हैं वही अतुल प्रसाद कर सकते हैं, वरना अतुल प्रसाद के हाथ में कुछ नहीं है, सब हाथ में के पाठक के है। नहीं, ये तो शिक्षा विभाग की बहाली है ना, शिक्षा विभाग
अगर रिक्तियां नहीं भेजेगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी कैसे जारी करेगा। हाँ, बीपीएससी ने एक चीज गलती किया कि बीपीएससी को जब रिक्तियां भेजी थी, भेजी गई थी सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि 1,70,000 पे आपको नियुक्ति करनी है, तो बीपीएससी को चाहिए था कि सर्टिफिकेट जांच खुद से करती बीपीएससी, और उसके बाद फाइनल अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची वो जारी करती, तब शिक्षा विभाग का इसमें नहीं रहता ज्यादा रोल। लेकिन यहाँ तो सर्टिफिकेट जांच बीपीएससी ने तो नहीं कराया, शिक्षा विभाग ने कराया। अभ्यर्थी क्या करें, वो तो टीआरई 2.0 का फॉर्म भी नहीं भरे, वो आस में थे कि सप्लीमेंट्री जब आएगा तो वो जो बाउंड्री लाइन पे थे उनका हो जाएगा, लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं। देखिए, हम अभी भी सरकार से मांग कर रहे हैं, बीपीएससी से और खासकर अतुल प्रसाद सर से और शिक्षा विभाग से और खासकर के पाठक सर से, कि आप अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और जो भी रिक्तियां हैं कानूनन, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि भाई जो गैर कानूनी हो उस पे बहाल कर दीजिए, क्योंकि वो तो फिर गलती हो जाएगा। जो कानूनन रूप से सही है उतने सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप निकालिए, और 20,000 के आसपास तो वैसे दिख रहा है, जैसे 10,000 एब्सेंट थे काउंसलिंग में, उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो काउंसलिंग में बाहर हो गए, तो ऐसे 20,000 तो संख्या ऐसे दिख रहा है। और उसके बाद जो स्कूल में योगदान करने गए जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सर्टिफिकेट नहीं था तो वो लोग भी बाहर हुए, तो ऐसे लोग भी तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र उनको मिला था, तो ऐसे लोगों के जगह पे तो आना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना। छात्र नेता दिलीप, ये बताएं आप कि इतना सीट जो है वो खाली जो हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ 22,000 बीएड शिक्षक को भी कहा जा रहा है कि उनका फिर से जांच होगा, उनको भी नोटिस जा रहा है, इस पे क्या कहना आपका? तो 22,000 जो बीएड अभ्यर्थी बीएड शिक्षक है उनके बारे में कहा जा रहा है जी, तो बीएड वाले जो थे वो, इनको जो नियुक्ति दिया गया तो ये बिहार सरकार के द्वारा दिया गया, ये तो जो बिहार सरकार कर रहे थे वो लोग का कहना है। कल भी आपने एक वीडियो देखा होगा जो वायरल हो रहा है, शिक्षा विभाग से निकल के बीएड शिक्षक फूट फूट कर रो रहे थे। जी बिल्कुल, मैंने भी वो वीडियो देखा है। तो जिस उस समय जब बहाली हुई थी तो बिहार सरकार का जो नियमावली था शिक्षा छठे चरण का, जो विज्ञापन निकला था उसी की शर्तों के अनुसार इन लोगों की बहाली हुई थी, तो सबसे पहले कार्रवाई अगर गलत था तो सबसे पहले तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने इनकी नियुक्ति की, जिन्होंने नियमावली बनाया, जिन्होंने विज्ञापन निकाला, वैसे प्राथमिक शिक्षा निदेशक पे कार्रवाई होनी चाहिए जो उस समय के थे, और भी जो अधिकारी होंगे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिहार सरकार पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, जब जब शिक्षक 2 साल से जॉब कर रहे हैं उनको आप बाहर कर रहे हैं, तो उस समय जो भी उस समय मौजूद थे इससे संबंधित सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ शिक्षकों पे क्यों? शिक्षक तो खुद से स्कूल में नहीं पढ़ाने चले गए ना, शिक्षकों की नियुक्ति हुई, बिहार सरकार ने नियुक्ति की, जो उनकी नियमावली थी और जो विज्ञापन था उसके शर्तों के अनुसार इनकी बहाली हुई, इनको नियुक्ति पत्र किसने दिया? तो सभी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। बिहार सरकार को अभी भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाए और परिस्थितियों को बताए कि भाई उस समय क्या परिस्थिति थी जो इनको इनकी नियुक्ति हुई बीएड वालों की। अगर सुप्रीम कोर्ट से मान लेते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी बीएड वाले को राहत नहीं मिला, जो कि संभावना कम है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल जाएगी बीएड वालों को, अगर मान लेते हैं कि बीएड वालों को राहत नहीं मिलती है, तो भी बिहार सरकार के पास ये अधिकार है कि उनकी नौकरी को बचा सकती है बिहार सरकार। अगर शिक्षक नहीं रह सकते ठीक है तो आप अन्य कार्यों में लगा सकते हैं ना, इनको क्लर्कियल जॉब दे सकते हैं, अन्य डिपार्टमेंट में आप समायोजन कर सकते हैं, इससे पहले भी हुआ है बहुत सारे डिपार्टमेंट में भाई उस डिपार्टमेंट उस चीज को खत्म कर दिया गया तो जो भी उसमें जॉब कर रहे थे उनको दूसरे डिपार्टमेंट में समायोजन किया गया, तो यही चीज बिहार सरकार अभी कर सकती है 22,000 शिक्षकों के साथ, क्योंकि अच्छा, इनकी नियुक्ति तो सरकार ने की है। ये बताइए कि ये शिक्षक बहाली में इतना झोल, इतना ये खींचा क्यों जा रहा है आपके हिसाब से? देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से वोट बैंक का एक हथियार बन गया, ये बहुत बड़ा हथियार है बिहार में शिक्षक नियुक्ति, और उसी समय से नियोजन इकाय से बहाली होती थी, नीतीश जी करते थे, नियोजन इकाय से शुरू हुआ तो लंबी लंबी लाइनें लगती थी, एक अभ्यर्थी 500-600 जगह जाके अप्लाई करते थे जी, हर एक नियोजन इकाय में अलग अलग पंचायत स्तर पे होता था, हर एक पंचायत में अलग अलग नियोजन इकाई, तो उस तरह से बहाली होती थी, दिखता था अखबारों में, छपता था कि भाई शिक्षकों की नौकरी हो रही है, ये हो रहा है, और बाद में पता चलता था 1,00,000 वैकेंसी निकला, 50,000 पे बहाली हुआ। तो शुरू से इनका रिकॉर्ड भी रहा है नीतीश कुमार जी का कि जितने वैकेंसी निकालो उसका 50% 60% ही पूरा होगा, बाकी सीट खाली रह जाएगा। यही अभी बीपीएससी से भी बहाली जब हो रही है उसमें भी यही हाल हो रहा है, तो ये वोट बैंक का हथियार बहुत बड़ा हथियार है, जरिया बना लिया गया है, और यही वजह आप देखिएगा कि इसमें भी 1,70,000 तो वैकेंसी निकाल दिया लेकिन बहाली कितनों की हुई, तो 88,000 या 90,000 जो भी संख्या हो तो उतने पे ही बहाली अभी तक हुई, और वही उसी सीट को फिर आप चाह रहे हैं कि TRE 3 में निकाले, TRE 2 में निकाले, मतलब एक ही वैकेंसी को बार बार निकाल के वोट बैंक का जरिया बनाना है।
ये तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना, नहीं तो इतनी हड़बड़ी सरकार को क्यों थी? 1,70,000 पे बहाली होनी है, 800 या 400 सीटों पे बहाली होती है बीपीएससी के द्वारा, तो उसमें एक साल समय लगता है। आप देखिए ना सिविल सेवा की बहाली हुई 67वीं का हो और 68वीं का हो कितना समय लग रहा है, और 1,70,000 पे आप शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं और उसके लिए आप 4-5 महीना भी समय नहीं दे रहे हैं, इतनी हड़बड़ी क्यों है आपको भाई? 15 तारीख को टीआरई 2.0 खत्म होगी और 17 तारीख को महाबवाल है, महाबवाल क्यों कह रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ये सरकार की जो है ना, सरकार की गलत नीति है शिक्षा को लेकर, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, और यही वजह है कि शिक्षक अभ्यर्थी हमेशा बिहार में जो है निरीह प्राणी की तरह रहे हैं और आज भी वही हो रहा है, एक निरीह प्राणी की तरह शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक भी निरीह प्राणी की तरह है, उनको शिक्षकों को बिहार में निरीह प्राणी समझा जाता है, और जो भी जोर जुल्म करना है शिक्षकों पे ही अजमाइश कर लो, शिक्षक अभ्यर्थियों पे ही अजमाइश कर लो। आप देखिए कि एसटीईटी 2019 वाले लोग उस समय से आंदोलन कर रहे थे, तो एक अभ्यर्थियों को बुरी तरह पीटा गया 22 अगस्त 2022 को, शायद 22 अगस्त या 26 अगस्त जो भी डेट हो, तो ये तो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पीटते रहे हैं, ये तो हम लोग देखते रहे हैं। 17 तारीख को क्या होने वाला है, दरोगा में जाएंगे लोग बैठने या सिविल कोर्ट में? देखिए 17 दिसंबर को सिविल कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा है, वो जो कि पहले से तिथि उसकी घोषित थी, एक साल पहले वैकेंसी आई थी, एक साल बाद उसकी तिथि घोषित हुई, तो 17 दिसंबर की परीक्षा, वो भी हम लोग जब बहुत आवाज उठाए तब तिथि घोषित हुई, और बिहार दरोगा के लिए बीपीएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बाद में, बहुत बाद में डेट घोषित किया, और वो भी 17 दिसंबर ही कर दिया, तो बीपीएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को ये देखना चाहिए था ना कि उस तिथि को कोई परीक्षा तो नहीं है। हम लोग बार बार आगाह करते रहे कि भाई 17 दिसंबर को सिविल कोर्ट की परीक्षा, उस दिन परीक्षा न लिया जाए, लेकिन बीपीएससी जानबूझकर दरोगा की परीक्षा उसी दिन ले रहे। इसमें क्या होगा, हजारों अभ्यर्थी हैं जो दोनों का फॉर्म भर रहे हैं, अभी कोई एक परीक्षा उनको छोड़नी पड़ेगी, तो अभी भी बीपीएससी से हम ये मांग कर रहे हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से कि जिनकी दरोगा के अलावा कोई और भी परीक्षा है तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आप बिहार दरोगा की परीक्षा 2-4 दिन बाद ले लीजिए, बाद में ले लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, 2-4 दिन के बाद आप परीक्षा आयोजित करवा लीजिए, ताकि वो जो और परीक्षा के लिए फॉर्म भरे वो परीक्षा दे पाए, उनका अधिकार है। आपने परीक्षा की तिथि बाद में घोषित किया है ना, और बीपीएससी इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है, जब किसी परीक्षा की तिथि उस दिन रहे उसी दिन अपना तिथि घोषित करती है, तो ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का पुराना ये चरित्र है इस तरह का, तो ऐसा नहीं, जो भी अभ्यर्थी है जानबूझ के किया जाता है, बिल्कुल जानबूझ कर किया जा रहा है, और जो अभ्यर्थी है जिनका दोनों परीक्षा हो, मतलब दरोगा के अलावा कोई और परीक्षा हो, वैसे अभ्यर्थियों को भी हम कहेंगे कि आप लोग बिहार दरोगा का जो आयोग है, बीपीएससी का जो ऑफिस है सप्तमूर्ति विधान मंडल के पास है, वहां आप लोग जाइए एक दिन, हो सके तो 15 को ही चले जाइए, जाइए दोनों का एडमिट, दोनों परीक्षा का एडमिट कार्ड लेके जाइए, वहां आवेदन दीजिए, आप बोलिए कि भाई हमारी परीक्षा आप बाद में लीजिए, 1-2 दिन बाद लीजिए, क्योंकि इससे पहले देखिए 2018 में भी हुआ था, जब बहुत सारे सिपाही थे जो दरोगा के लिए फॉर्म भरे थे और उन सिपाहियों का बहुत का ड्यूटी चुनाव में लगा हुआ था, तो उन लोगों के लिए अलग से परीक्षा, बाद में परीक्षा आयोजित की गई जिनका भी चुनाव में ड्यूटी था, तो वैसे सिपाही के लिए बाद में दरोगा की परीक्षा आयोजित की गई थी, तो ऐसा अभी भी हो सकता है। अभ्यर्थियों को भी एक बार जाना चाहिए ऑफिस, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि आप लोग चाहे तो 15 को चले जाइए, जो भी अभ्यर्थी है जिनका की 2 एग्जाम हो, 3 हो, यानी दरोगा के अलावा जो भी परीक्षा हो, तो सभी का एडमिट कार्ड लेके वहां आप जाइए और आग्रह कीजिए, आवेदन दीजिए, तो बीपीएससी को इस पर विचार करना चाहिए, और बीपीएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग तो शुरू से गुंडागर्दी करती आई है, कम से कम अब तो कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत आज के साथ आपको सुनते भी हैं, आप लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं लोग के लिए? हम तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए कि दिलीप कुमार किसी पद पे नहीं है, किसी पद पे नहीं है, न ही किसी आयोग का अध्यक्ष है, न ही किसी मंत्री या विधायक या नेता का बेटा है, वो बीपी इन अभ्यर्थियों की तरह हम भी अभ्यर्थी रहे हैं और इनके हक के लिए लड़ते लड़ते आज परीक्षार्थी से छात्र नेता बन गए हैं, तो हमारा साथ इन लोगों को देना चाहिए, चाहे वो डिजिटली हो, सोशल साइट्स पे हो, या फिर जमीनी स्तर पे हो, तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि जब हम बुलाते हैं आंदोलन करते हैं तो सभी लोगों को आना चाहिए, घर नहीं बैठे रहना चाहिए, लॉज में, हॉस्टल में, रूम में नहीं बैठे रहना चाहिए, अपने अपने जिलों में नहीं बैठे रहना चाहिए, पटना में मौजूद रहते हैं परीक्षार्थी लेकिन बहुत कम लोग आते हैं, सोशल साइट्स पे भी देख लीजिए बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, अगर सोशल साइट्स पे भी ये लोग लाइक करे, कॉमेंट करे, शेयर करे, तो बहुत असर पड़ेगा इसका, क्योंकि सरकार का सभी भर्ती आयोग का अपना आईटी सेल होता है जो इन सब चीजों को देखता है कि किस मुद्दे पे क्या हो रहा है, तो इन लोगों को वहां भी साथ देना चाहिए, लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जितना हम प्रयास करते हैं उसका 1% भी अगर स्टूडेंट हमारा साथ दे दे तो फिर कोई भर्ती आयोग की हिम्मत नहीं होगी कि इन लोगों के साथ कुछ गलत करे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से छात्र नेता दिलीप ने कार्रवाई तक पे बात बोल दी है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को भी निशाना साधा है और अतुल प्रसाद के पाठक और बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात की है, दरोगा पर भी बोला है और सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर बहुत सारी बातें कही है। देखिए आपने सुन लिया सब चीज की छात्र नेता दिलीप का क्या कुछ कहना था सीटी को लेकर और 17 तारीख को लेकर। तो बस सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।